नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के फेज थ्री के एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में। हम दोस्तों बात करेंगे और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे चार रीजन के कटअप को बताऊंगा। सबसे पहला रीजन है भुवनेश्वर, उसके बाद गुवाहाटी, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद चेन्नई। तो यहाँ चार रीजन के कटअप को बताऊंगा जो कि फेज थ्री के एग्जाम है, और आज ही से फेज फोर का एग्जाम भी शुरू हो रहा है। और जितना मैं एक्सपेक्टेड कटअप बताऊंगा उसी के आसपास कटअप रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कटअप पे कौन कौन से फैक्टर यहाँ डिपेंड करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे अटेंडेंस, अटेंडेंस देखिए यहाँ पे काफी कम होने वाला है। लगभग मान लीजिए कि सभी रीजन में 50% से ज्यादा अटेंडेंस नहीं होगा, 50% है या 50% से कम ही होगा, लेस देन 50% होगा, 50% से ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि नॉर्मल जो एग्जाम होते हैं उसमें 60% होते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। तो इस बार तो आपने देखा होगा कि अटेंडेंस आपके भी जहाँ लैब आपने जिस लैब में एग्जाम दिया होगा वहां भी काफी कम अटेंडेंस आपको देखने को मिला होगा। मैं मान लेता हूँ कि 50% ही अटेंडेंस है इस बार। उसके बाद यहाँ देखिएगा क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का लेवल जो है दोस्तों काफी अच्छा, मतलब काफी अच्छा लेवल है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ना इजी है ना हार्ड है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो आज से पहले ग्रुप डी के एग्जाम में किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एग्जाम सबके लिए क्या हो गया, सरप्राइजिंग हो गया, मतलब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन के साथ है। इजी बोल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी हो सकते हैं। आखिरी के अगर 20 क्वेश्चन आप बनाते हैं, जब एक सजेशन मैं देना चाहूंगा कि एग्जाम जब जब भी आपका हो तो आखिरी से स्टार्ट कीजिए, आखिरी के 20 क्वेश्चन को पहले बनाइए, काफी जल्दी बन जाएगा क्योंकि आखिरी के 20 क्वेश्चन इजी होते हैं। आगे देखिएगा नंबर ऑफ अटेम्प्ट, यहाँ देखिएगा तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट सभी के जो हो रहे हैं मैक्सिमम 60 से 70 के बीच में औसतन अटेम्प्ट कर रहे हैं। जो बच्चे कंपटीशन दे सकते हैं वो 60 से 70 के बीच में कर रहे हैं, कुछ कुछ बच्चों का 75 जा रहा है, कुछ कुछ बच्चों का मतलब 80 भी करते हैं, कुछ एक दो बच्चे तो होते हैं जो 90-95 भी करते हैं, वो अलग बच्चे हो गए। बट औसतन जो अटेम्प्ट जा रहा है सभी का 60 और 70 के बीच में जा रहा है अच्छे बच्चों का। जो बहुत बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वो 70-71 ऐसे बना पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन का देखिए फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो एग्जाम चला है आपका काफी लंबे समय तक एग्जाम चला हुआ है, लगभग 10-12 दिन एग्जाम चला है। आज 19 तारीख है, 8 तारीख से लेके 19 तारीख तक ये एग्जाम चला है। ये एग्जाम कब से कब तक चला है, 8 सितंबर से लेके 19 सितंबर के बीच तक ये एग्जाम चला, लगभग 10 दिन का ये एग्जाम चला। तो 10 दिन में नॉर्मलाइजेशन कुछ ना कुछ होगा, बट इस बार परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा। मतलब पहले आपके शिफ्ट में आपका परसेंटाइल निकाला जाएगा, उसके बेसिस पे अदर शिफ्ट के हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ होगा, तो नॉर्मलाइजेशन को मैं हटा के आपको नंबर बताऊंगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन को हटा के मैं नंबर बताऊंगा, नॉर्मलाइजेशन को यहाँ ऐड नहीं करूंगा। नॉर्मलाइजेशन होगा बट आपका इतना स्कोर आएगा जितना मैं बताऊंगा उसके आसपास है, तो आप बिल्कुल सेफ है, आपको कोई मतलब आप आराम से सिलेक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं जाएगा, उससे कम जा सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा जहाँ पे आपको हो सकता है कि 10 दिन में मैक्सिमम 6 नंबर तक इंक्रीज हो जाए, नॉर्मलाइजेशन में 5 से 6 नंबर इंक्रीज हो सकता है, इससे ज्यादा इंक्रीज उम्मीदें कम है मेरे हिसाब से। और नंबर ऑफ डेज मैंने बताया लगभग 10 दिन तक एग्जाम चला, ठीक है। तो 10 दिन बहुत ज्यादा नहीं होता, और खास बात यह है कि इन चारों जोन का कंपटीशन एक साथ होगा, मतलब आपका जो कंपटीशन है आपके जोन में है, क्योंकि आरआरसी वाइज एग्जाम करवाया जा रहा है और आरआरसी वाइज ही नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो आपका जो कंपटीशन होगा केवल आपके जोन में होगा, आपको अदर जोन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और जो भी नॉर्मलाइजेशन का नंबर ऐड या कुछ भी होगा वो शिफ्ट वाइज होगा, इन्होंने जैसे रेलवे ने बताया हुआ है। तो इस बार क्या है कि आरआरसी वाइज एग्जाम करवाया जा रहा है, मतलब आरआरसी को डिवाइड कर दिया गया कि भुवनेश्वर, गुवाहाटी और दिल्ली और चेन्नई का फेज थ्री में एग्जाम करवाया जाएगा। तो जितने कम आरआरसी का एग्जाम होगा आपके फेज में उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। तो इस बार देखिए केवल 4-4 आरआरसी का एग्जाम करवाया गया है, तो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल होगा इन्हीं 4 आरआरसी के बीच में होगा। तो आपको बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा आपको नॉर्मलाइजेशन के लिए टेंशन नहीं लेना है कि नॉर्मलाइजेशन में 20 नंबर 30 नंबर जो बढ़ते थे लास्ट ईयर वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब मैक्सिमम 6 नंबर या 8 नंबर के बीच में मतलब नॉर्मलाइजेशन का नंबर मिल सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से कट ऑफ है हाई नहीं जाने वाला है। तो इस बार जो मैक्सिमम कट ऑफ है इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, मैंने मैक्सिमम कट ऑफ रखा है। तो देखिएगा मैक्सिमम कट ऑफ है, सबसे पहले आरआरबी भुवनेश्वर का कट ऑफ देखिएगा, अगर यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 61 के आसपास जा सकता है आरआरबी भुवनेश्वर का कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 59 जा सकता है, भुवनेश्वर थोड़ा डेंजर जोन होता है इसलिए कट ऑफ हाई जा सकता है, 61 मतलब बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ है।
ठीक है, और अच्छा खासा वैकेंसी है सभी जगह, तो 61 से ज्यादा नहीं जाएगा भुवनेश्वर का। उसके बाद आप देखेंगे ओबीसी का 60 के आसपास है, आप अगर लेके आते हैं भुवनेश्वर से तो बिल्कुल सेफ होंगे, 58 भी जा सकता है, बट मैक्सिमम मैंने 60 रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिएगा एससी कैटेगरी का 53 के आसपास जा सकता है, उसके बाद आप देखिएगा एसटी कैटेगरी का 50 के आसपास रह सकता है, ठीक है, ये कटअप हो गया एसटी कैटेगरी का। अब दोस्तों आप देखिएगा गुवाहाटी, गुवाहाटी में देखिएगा गुवाहाटी का कटअप कम जाएगा, 55 से लेके 57 के बीच में होगा, ठीक है, 55 से 57 के बीच में होगा, 57 से ज्यादा नहीं होगा, गुवाहाटी कम कटअप जाएगा, मिनिमम 55 मैक्सिमम 57। उसके बाद आप देखेंगे आरआरसी गुवाहाटी में ईडब्ल्यूएस देखेंगे तो यहाँ 54 के आसपास कटअप रहेगा। उसके बाद आप देखेंगे ओबीसी का तो 55 के आसपास कटअप रहेगा, 54-55 के आसपास रहेगा। उसके बाद एससी कैटेगरी का देखेंगे तो 51 नंबर, और एसटी कैटेगरी का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 49 से 48 नंबर के आसपास कटअप रहेगा गुवाहाटी में। तो गुवाहाटी का हो गया। दिल्ली का दोस्तों हाई कटअप रहेगा, दिल्ली का देखिए 65 के आसपास, अगर आप लेके आ रहे हैं तो 65 के आसपास आपका कटअप रहेगा दिल्ली का, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, दिल्ली में निश्चित रूप से हाई कटअप आपको देखने को मिलेगा, ये डेंजर जोन है। आगे देखिएगा ईडब्ल्यूएस का 62 के आसपास आपको दिल्ली का देखने को मिलेगा, और वही एससी का बात करें तो एससी नहीं ओबीसी का बात करें तो 64 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, वही बात करें एससी कैटेगरी की तो 58 के आसपास, और एसटी कैटेगरी का 53 के आसपास आपको दिल्ली में कटअप देखने को मिलेगा, 53-55 के बीच में आपको कटअप देखने को मिलेगा, ठीक है, दिल्ली का कटअप हाई जाएगा। उसके बाद आरआरसी चेन्नई का सबसे लो जाने वाला है, ये 55 से कम ही जाएगा, मतलब लेस देन 55 मैंने बहुत ज्यादा बोल लिया, मतलब लेस देन 55 आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ नॉर्मलाइजेशन ना के बराबर होगा, मतलब बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन है, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, तो कट ऑफ पे में बहुत ज्यादा हाई देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा ओबीसी कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 50 नंबर भी सेफ होगा या इससे कम भी जा सकता है, और ओबीसी कैटेगरी से 52 नंबर सेफ हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें चेन्नई से एसटी कैटेगरी के लिए 48 नंबर, और ये एसटी कैटेगरी वाले अगर 44 भी लेके आते हैं तो भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ये मैंने मैक्सिमम कटअप बताई, ये 45 भी जा सकता है, 44-45 के आसपास से ये रहेगा। तो ये दोस्तों मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कटअप होगा इस बार का, और इससे ज्यादा हाई कटअप आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपके अलावा आपके मन में इसके अलावा किसी का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और फेज थ्री का मैंने आपको एक्सपेक्टेड कटअप बता दिया, फेज टू का भी मैंने बताया हुआ है, और फेज वन का भी मैंने बताया हुआ। तो जैसे जैसे फेज के हर फेज के एग्जाम होते जाएंगे तो उनकी क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से मैं आपको कटअप का एक बेसिक आइडिया देते रहूंगा कि इतना अगर आपका आ रहा है तो आप पीईटी की तैयारी में लग जाइए, ठीक है, आपके जोन से अगर इतना बनता है आपको, अगर आंसर की आने के बाद भी इतना बन जाता है तो आप पीईटी के तैयारी में लग जाइए। आपको ये नहीं सोचना है कि कौन से बच्चे कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपका इतने मार्क्स में आ रहा है या नहीं ये आपको सोचना है, ठीक है। और कटअप दोस्तों इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा, कटअप इसी के आसपास रहेगा, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी का जो मेंस का एग्जाम हुआ, सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ, उसमें हुआ क्या कि उसमें क्या हुआ कि कटअप बहुत ज्यादा हाई देखने को नहीं मिला आपको, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन उसमें बहुत कम हुआ, बहुत मतलब नॉर्मलाइजेशन ना के बराबर हुआ, कारण ये था कि आरआरबी वाइज एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से आपका कट ऑफ कम जा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफी अच्छा रहा, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।